जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि घर में चार सदस्य हैं, आपस में बातचीत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा दल है जहां पद्धति पर आधारित काम किया जाता है और पार्टी में अनुशासन बरकरार है। सदस्य होते हैं तो क्या चारों सदस्य कभी थोड़ा आपस में बात नहीं करते? एक चीज है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जहाँ पद्धति पर आधारित काम चलता है। अगर आपको अगर पटेरिया जी की आप बात करें तो पटेरिया जी ने एक मिनट के अंदर कह दिया कुछ नहीं, सारी चीजें समाधान हो गया। प्रदीप पटेल जी अरे सब होता है। इससे पहले सागर जिले के देवरी से बीजेपी के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने सुबह 4 बजे इस्तीफा वापस ले लिया। बता दें कि विधायक ने कल शाम को इस्तीफा दिया था। केसली थाने में FIR दर्ज न होने के चलते विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं अब विधायक का कहना है कि आक्रोश में लिया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण था, अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। संगठन और सरकार मेरे साथ है, मुस्लिम के आदेश का पालन करूंगा। जो आक्रोश का विषय था वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थन किया है। गरबा महोत्सव में उन्होंने कहा कि 25 साल बाद हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। उनकी माने तो देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि गंभीरता के साथ विचार करें। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। बालाघाट से खबर है, जहां जिला चिकित्सालय का निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सीएमओ को जमकर फटकारा, कहा कि ये पहली और आखिरी दफा है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अगली खबर खरगोन से है, जहां आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं के झुंड ने रौंदा है, बाइक सवार को टक्कर मारी है। सीसीटीवी में ये घटना रिकॉर्ड हो गई, बाइक सवार को चोट भी आई है। देखिए किस तरह से ये भागते हुए आ रहे हैं, सामने से मवेशी, बाइक सवार गिर जाता है और फिर उसके बाद एक मवेशी उस पर हमला भी कर देता है। खबर भोपाल से है, जहां महानवमी के मौके पर सीएम आवास में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कन्याओं को चुनरी उड़ाई और उनकी आरती भी उतारी। कन्या पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने कन्याओं के साथ बातचीत भी की। खंडवा में महानवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं शहर के माता चौक पर कोलकाता के कलाकारों ने 28 फीट की शानदार प्रतिमा बनाई, जिसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और आइए देखते हैं टॉप 20।